प्रदेश विधानसभा चुनावों में जैसे ही सभी दलों ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करना शुरू किया, निराश नेताओं की नाराजगी ने लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया। ऐसे में जनता से जुड़े असली मुद्दे जानने जी न्यूज की टीम चुनावी राज्यों के लिए निकल पड़ी और ग्राउंड जीरो की हकीकत जानने के लिए सबसे पहले ग्वालियर पहुंची, जिसे दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में एक ठहराया गया था। ग्वालियर से महज 18 किलोमीटर दूर मुरैना के बानमोर औद्योगिक क्षेत्र को इलाके के प्रदूषण के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार माना जाता है, इसलिए जी न्यूज का पहला पड़ाव यहाँ का सेवा गांव रहा। गांव में अंदर आते ही लोग जो अपनी समस्या बताते हैं तो सबसे बड़ी समस्या जो निकल कर आती है वो प्रदूषण की है। अंदेशे के मुताबिक यहाँ के हर उम्र के लोग सांस से जुड़ी बीमारियों की चपेट में दिखे और बातचीत के दौरान डॉक्टर के पर्चे और दवाइयाँ दिखाकर अपनी परेशानी बताने लगे। सांस ले रही है जी, जी, जी है कि नहीं जी पेट, तो जी मतलब जो ऊपर को सांस भीतर को बंद ना पेट में। शकुंतला देवी ने बताया कि प्रदूषण की वजह से उसे सांस के साथ ही स्किन से जुड़ी बीमारियों ने भी घेर रखा है। लेकिन इन बीमारियों को उम्र से जुड़ी बीमारियां बताकर खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के लक्षण सेवा गांव में हर उम्र के लोगों में नजर आए। चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो, माँ बाप बच्चों को होने वाली बीमारियों की एकमात्र वजह इलाके में चल रहे टायर, ट्यूब और लोहे से जुड़े प्लांट को बताते हैं। कार्बन उड़ता है उनमें से, चिमनियों में से, तो पूरा जैसे हवा अगर इधर की है तो पूरे छत पे एकदम काला काला हो जाएगा, चाहे दिन हो चाहे रात हो, 24 घंटे काला धुआं रहता है। ये दावे बढ़ा चढ़ा कर किए गए नहीं, क्योंकि कुछ ही आगे बढ़ने पर इसके सबूत मिल गए, जिसमें एक शख्स पूरी तरह कार्बन में नहाया नजर आया, वो भी इस तरह कि अगर आप गौर से न देखें तो पत्थर की बनी मूर्ति मानने की भूल कर बैठे। पूरी तरह कालिक से पुते शख्स की ये तस्वीर दिल और दिमाग को झकझोर देने वाली रही। हमारे ही बीच रहने वाले किस हाल में जीने को मजबूर हैं, उसकी ये तस्वीर जीती जागती मिसाल है। लेकिन क्या ऐसे हालात मध्य प्रदेश में चुनावी मुद्दे हैं? हम ये भी टटोलेंगे, लेकिन उससे पहले रोजाना हवा के जरिए सांस में कार्बन लेने से लेकर कार्बन स्नान करने वाले शख्स का हाल जानना जरूरी था। सिर के बाल से लेकर आंखों की पुतलियां, चेहरे की मूंछ और पांव में चप्पल तक काली, नहीं तो ये कालिक जो ऐसी रोज जमी रहती है। प्रेमपाल ने कार्बन की वजह से होने वाली दिक्कतों के बारे में भी बताया। खांसी फांसी हो जाती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है। प्रेमपाल जिस तरह के माहौल में काम करने को मजबूर दिखा, उसके सेहत पर पड़ने वाले खतरों से भी वो अनजान नजर आया। जब फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के शरीर के साथ ही इलाके में रहने वाले लोगों की बीमारियों में कार्बन का असर दिखा, तो इससे आबोहवा कैसे बची रहती। यहाँ की चिमनियों से उठता काला धुआं हवा में जहर घोलने वाले गगनचुंबी प्रतीक नजर आए। बेहिसाब चिमनियों से निकलते धुएं से नीला आसमान काला पड़ गया और यही हाल यहाँ के नदी नालों का दिखा, जो जमीन के अंदर जहर भेजने के साधन बनते दिखे। एक औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया गया ये सोचकर कि लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आज इसी औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों से निकला जहरीला धुआं और काला गंदा पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। मुसीबत बड़ी, लेकिन कंपनी वालों से लेकर प्रशासन तक कहीं सुनवाई नहीं। सब जगह शिकायत कर ली, कोई सुनने वाला नहीं है, ना तो नेता सुनने वाले हैं, ना अधिकारी सुनने वाले हैं। ये धुआं इलाके के लोगों के घरों में घुसकर रोटी तक खाने नहीं देता, उनके मवेशी तक प्रदूषण की वजह से बीमार पड़ते दिखे। फैक्ट्रियों से निकलता धुआं आसमान में जहर घोलता दिखा, तो उससे निकलता कचरा जमीन और पानी को जहरीला बनाता और दोनों की चपेट में आने से इस पूरे इलाके में रहने वाले इंसान और मवेशी बीमारियों से जूझते नजर आए। इतने बड़े इलाके के लोग खराब हवा पानी की वजह से परेशान हों, लगातार बीमार होते रहें और इलाज में बेहिसाब खर्च हो, तो ये बड़ा मुद्दा है। लेकिन लोगों की बड़ी शिकायत ये रही कि जब नेताओं के दर्शन केवल चुनावों में ही हो तो वो कैसे अपना दुखड़ा रोए। लौट आते नहीं है, बस वोटों के लिए आते हैं, बाद में आते नहीं है। ग्वालियर और मुरैना के आसपास प्रदूषण बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके बावजूद लोग चुनावों को लेकर अपने रुझान बताने से कतराते नजर आए। नहीं, वोट तो देंगे, वोट किसको देंगे वो तो समय बताएगा। मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है, लेकिन चुनाव में जनता के असली मुद्दे कितने उठते हैं, इसका खुलासा भी जल्द होने लगेगा। Z News.